आज की वीडियो में मैं आपको 300 से लेकर 400 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो बताऊंगा, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। इससे पहले अब हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या फिर इन्हें हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 जो है 2 1 2 खुद से तो डिवाइड हुआ, एंड 1 2 2 है ना, 2 से खुद अपने आप को डिवाइड भी कर रहा है और 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर है। वहीं पे आपको 4 देखिए, 4 1 4 खुद से तो डिवाइड हो रहा है, एंड 1 4 4 1 से भी हो रहा है, लेकिन ये 2 2 4 ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना, केवल 1 से एंड खुद से डिवाइड होने की बात हुई थी, तो इसलिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी तरह से ये कुछ मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं जो 1 से डिवाइड हुई हैं सारी और खुद अपने आप से हुई हैं, तो ये प्राइम नंबर कहलाए हैं। ठीक है, ये सारे नंबर तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर हैं। 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397। ये कुछ 300 से लेकर 400 के बीच के प्राइम नंबर्स थे। चलिए, ये तो प्राइम नंबर्स, अब ये भी देख लेते हैं 300 से लेकर 400 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्राइम नंबर्स हुए आपके 300 से लेके 400 तक के बीच में। अगर आप 300 से पहले के भी प्राइम नंबर्स देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके मैंने 300 तक के प्राइम नंबर्स भी समझा रखे हैं पहले ही से, और ये आपके 300 से लेके 400 तक के बीच के प्राइम नंबर्स हैं।